लोक सभा हलका फतेहगढ़ साहब तो आप पार्टी के उम्मीदवार बलजिंदर सिंह चौंदा वालों आज खन्ना विच आप पार्टी का दफ्तर खोलिया गया, जिसका उद्घाटन करन भगवंत मान विशेष तौर ते पहुंचे। भगवंत मान के खन्ना पहुंचने ते बलजिंदर सिंह अते पार्टी वर्करां वालों भगवंत मान का भरवां स्वागत किया गया। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं भगवंत मान ने दिल्ली अते हरियाणा तो आप पार्टी कांग्रेस दे नाल लड़ रही है ते सवाल दे जवाब विच भगवंत मान ने कहा कि इस तरह का कुछ नहीं है, आप पार्टी का किते भी किसी नाल कोई समझौता नहीं हो रहा, यह सब अफवाहां ने। मैं थोनू आप तो कैमरे च मैं बहुत बारी पहला भी कह चुका नहीं हो रहा कुछ भी, ये एवं बस अफवाह फैलाई जा रही ने, कुछ नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के भी सारे उम्मीदवार जोड़े कैंडीडेट अनाउंस करते, अरविंद केजरीवाल हर रोज जनसभा करते हैं, इतने भी करते हरियाणा भी करते। देखो यदि अच्छे सी बी आई तो जाँच की मांग कर रहे हैं, एक ईमानदार अफसर जोड़ा है, ये ड्रग माफिया जोड़ा ना ये उस ही है काम, ये जो मैडिकल ड्रग माफिया ना ये वह काम है कि यार वो ईमानदार है, वो साढ़े छापे मार दी है, इस करके पूरा इतों ही सिद्ध होंगे कि हूँ कोई किसी का डर नहीं इतने पंजाब जोड़े गैंगस्टर ने वो जेलों बैठे अपना अपना गैंग चला रहे हैं, है ना, तो धमकियां जेल मिनिस्टर को धमकियां आई जाए, वो कहना मेरी सुरक्षा बधाओ। सो इतों ही सिद्ध होंगे कि जी पुलिस है जो पुलिस इन्ह के एम एल ए जोड़े ने वो धमकियां दे रहे हैं, मिनिस्टर कह रहा पुलिस वाले मैं तेनों बंदा बना दूंगा, मैंने कोई हाई कोर्ट का डर नहीं, आशू कह रहा है। इतों सिद्ध होंगे कि कैप्टन साहब जोड़े ने महलों चो बाहर नहीं निकल रहे, तो जी इन की सरकार है वो आप मुहारे चल रही है, आप उद्धर दरबारा सिंह गुरु उन्होंने का जो डी सी होंगे सके नकोदर के जी गोली चली सी, चार मुंडे शहीद हुए बेअदबी कांड के भी उन्होंने नाम बोलता है, तो फिर दरबारा सिंह गुरु पहला भदौड़ तो हारे, फिर बसी पठाना तो हारे, हूँ पता नहीं किन्ने रिकॉर्ड बनवाना चाहते हैं अकाली दल वाले, लोगों को सारा पता है, लोगों को पता है, लोग जज ने सुखबीर बादल को नहीं पता इस गल का तो लोग दस देंगे। हर रोज़ लगभग तीन चार ओवरडोज दी खबर आ रही ने, तो चोन जाबते सब तो वध ड्रग जी है देश वो पंजाब चो फड़ी गई है, तो फिर ये किमें इश्तहार दे रहे हैं कि नशा तो खत्म हो गया जी। सो इतों यह पता लगता है कि ग्राउंड रियलिटियां होर ने, यह जिहड़ा जो करना चाहिए सी गुटका साहब की सहु खाधी सी कैप्टन साहब ने कि चार हफ्तों मैं बड़े बड़े जोड़े मगरमच्छ ने जोड़े बड़िया मच्छी उन्होंने मैं फड़ लूँगा नैक्सस तोड़ देंगे, वो पूरी नहीं हुई, ये मिले हुए ने आपस जे कि उन्होंने वादे पूरे किए होंगे 50% भी किए होंगे चलो दो साल तो शायद कितने कितने जाने की लड़ नहीं पैनी सी, लोगों ने इन्हों घर बैठे जिता देना सी, पर हूँ इस तरह दिया जो तिकड़बाजिया ने नहीं चल। मेरे को हर रोज़ इस तरह के घट्टो घट 40 to 50 केस आते हैं, निजी तौर पर मैं फोन करके वो क्लीयर भी करा देना, किसी की डिग्री रोक ली, किसी डी एम सी रोक लिया, किसी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। एक एक यदि जड़ हैगी है कि पार्लीमेंट के भी मैं ये गल बोली सी कि 1700 करोड़ रुपया जिहड़ा प्री मैट्रिक ते पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो जारी क्यों नहीं करते, सेंटर कहता जी स्टेट नूं भेजता, स्टेट कहता जी सेंटर को नहीं आया, कॉलेजां च यूनिवर्सिटियां च जिहड़ा दलित विद्यार्थियों के झगड़े हो रहे हैं उन्हें संबंध बिगड़ रहे हैं, ये इत्थों ही पता लगता कि आम लोग जिहड़े ने आम लोगों के धियां पुत्त सरकार के एजेंडे ते है ही नहीं। सुखबीर बादल ने जिहड़े बयान दिता है सरपंचां वास्ते ग्रांटां ना लो वी साडी सरकार आंदे तुहानूं ट्रालियां भर के नोट दित्ते जाणगे, तुसीं की कहना चाहुंदे? वह पहला वाले ट्रक जोड़े ने वो पता नहीं कितने ने जो मोदी सरकार बनने तो बाद ट्रक आने से, ठीक है ना, तो सुखबीर बादल वैसे वाला तुम सीरीयस लै करो, तुम्हें पता ही है बेचारा जहाज आएगा जिन्ना कहेगा चलो करी जाता, रोड़ा रूड़ा तो नहीं मारता ना कि रोड़ा रूड़ा तो नहीं मारता ना, फिर दर रहने बेचारे वोटा मिले आके थोड़ा लोड दिमाग से ज्यादा पै जाता नहीं। देखो जी एस आई टी है जिंकी कुमर विजय प्रताप जी की शिकायत की है सुखबीर बादल ने, देखो जिस जे कुमर विजय प्रताप जी अच्छी छवि वाले अफसर ने जे वो ईमानदारी कर रहे हैं, सुखबीर बादल का भड़कना इस गल का सबूत है कि वह ईमानदारी जांच हो रही है, यदा मतलब रोकना चाहता उस जांच में यह रोकना चाहता। सो असी चाहते हैं कि कुमर विजय प्रताप जी एस आई टी जी है वो राजनीति तो दूर रहनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी जांच जारी रखनी चाहिए। दर्शन ड्यूटी दर्शन ड्यूटी मामला लगता भी सरकार करनी चाहिए। दिल्ली के एक प्याऊ एम सी डी ने तोड़िया साड़ी सरकार ने नहीं, उन्होंने पोस्टर लाते साढ़े ना ला के हूँ एडे एडिया दर्शन ड्यूटी वर्गिया इतिहासिक बिल्डिंगा डेग रहे हैं है गिरा रहे हैं, तो इन्हें जवाब देना चाहिए कि ये हूँ कि पंथ के राखे आ गए। सो इतिहास में 5 साल जिन्ना इतिहास में अकाली दल तो बीजेपी वाले ने बिगाड़िया और शहरों के नाम बदलते मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलता, ठीक है ना, स्कीमों के नाम बदलते कल ना ही बदले होर तो कुछ नहीं बदलिया, लोगों की किस्मत बदली नहीं 5 साल पहला चाल ऐसी हूँ चौकीदार बन गए। देखो जी सुखदेव सिंह ढींसा जी ने पहले ही कहता कि मैं नहीं लड़नी, तो उन्होंने कहा कि मैं परमिंदर भी कहूँगा कि वो ना लड़े क्योंकि माहौल खराब है, माहौल ठीक नहीं है, लोगों के दिलों से नफरत है बेअदबी गुरु साहब की जो हुई उसके बाद उनका नाम आया, तो परमिंदर ढींसा भी कह रहे थे लड़ना तो नहीं मैं चाहता पर पार्टी कहती है। सो जो हाफ हार्टली अद्धे मन जो आया यह मतलब पहले ही हार अपनी जी जेब पाई फिर, सो मैं तो उन्होंने बधाइया दूंगा कि टिकट मिल गई तो
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, 10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਫੜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਧਵਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।